फैसले का इंतजार सभी को था। एक बार फिर से आपको परिचय करवा देते हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व आईपीएस रणवीर शर्मा, ज्योतिषी वाई राखी, जेके बेनीवाल धर्म प्रचारक हमारे साथ मौजूद हैं, मुन्ना कुमार शर्मा ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हैं, राजेंद्र गुप्ता आरटीआई एक्टिविस्ट, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी, कृष्णा शर्मा धर्माचार्य हैं, इसके अलावा पीड़िता के पिता अहमदाबाद से जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले हम विक्रम सिंह जी के पास चलते हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं। विक्रम जी, अब मैं जरा इस मामले की शुरुआत में जाना चाहती हूँ कि दिल्ली में ये मामला दर्ज होता है, पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज करती है, तो आपको लगता है कि ये मामला एक नजीर है, क्योंकि अगर पुलिस शुरुआत में ही तत्परता दिखाए तो आसाराम जैसे लोग भी जेल के अंदर होते हैं? निसंदेह इसको एक नजीर की तरह लेना चाहिए, और जो त्रुटियां हुई हैं और जो कामयाबी है उसको सभी की समीक्षा होने चाहिए। एक श्वेत पत्र के रूप में पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को, विवेचकों को प्रशिक्षण में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आपने जीरो एफआईआर पे अपराध पंजीकृत किया, इसको ट्रांसफर किया, एक गुणवत्ता परख एक विवेचना हुई और सभी सबूतों का संकलन किया। एक रसूखदार आरोपी को आपने कालांतर में सजा दिलवाई, और ये न्यायपालिका को सलाम करने का दिन है कि एक प्रभावशाली आरोपी होने के बावजूद और तमाम कोर्ट में जाने के बावजूद आसाराम को किसी भी न्यायालय से कभी भी कोई रिलीफ नहीं मिली। ये हमारी न्यायपालिका की शक्ति और सामर्थ्य है, और आज उनका पूरे प्रकरण का उनको दंडात्मक उनके बारे में दंड सुनाया गया है, और मैं समझता हूँ कि इसको एक नजीर की तरह ही लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल लेंगे हम, सबके पास आएंगे, सबको समय मिलेगा। पहले मैं भाई राखी जी के पास जाती हूँ। सियासी एक तरह से देखा जाए, कानूनी तौर पर तो आसाराम मुश्किल झेल रहे हैं, दोषी करार दिए गए हैं, अब से कुछ ही देर में सजा का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि आप ज्योतिषी हैं, गृह दशा क्या कहती है आसाराम की अगले 5 साल तक? अगर ये सुनवाई जो आज आसाराम गृह दशाओं की बात कर रहे हैं, सो इसे कोई भी पर्सनल ना ले, मैं यहाँ किसी को पर्सनली जो है वो फेवर नहीं दे रही हूँ। 2 तारीख के बाद यानी कि 2 मई के बाद जो है मंगल मकर का हो जाएगा, और कर्क राशि वालों के लिए खासकर और मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा होगा, और इनकी जो है कर्क लगन है धनु राशि है। मैं यहाँ बता दूं, अगर यही फैसला 2 तारीख के बाद होता तो निश्चित ही आसाराम बापू बाहर होते। अब 5 साल की अगर आप बात कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, बापू को राहत जरूर मिलेगी अगले 2 साल के अंदर, अगले 2 महीने के अंदर, इस कोर्ट से ना मिले अपर कोर्ट से मिलेगी, और उनको जेल से बाहर आना है, ये बिल्कुल तय है। बिल्कुल, सारे मेहमान हमारे साथ बने रहिए, और इस वक्त हमारे सहयोगी भवानी मौजूद हैं जोधपुर से, पहले उनके पास चलते हैं। भवानी, खबर ये है कि जेल में एम्बुलेंस भी बुलाई गई है, ऐसा क्यों? सवाल दोहराएंगे जी, एम्बुलेंस भी बुलाई गई है, ऐसी खबर है? जी हाँ, एम्बुलेंस बुलाई गई है, और 2 एम्बुलेंस बुलाई गई है, लेकिन इसको उससे जोड़कर नहीं देखा जाए, 2 चीजें होती है। एक तो क्या होता, सुरक्षा के नजरिए से भी पुलिस को बंदोबस्त पहले करने होते हैं कि कोई भी इमरजेंसी हो जाए उसके लिए तैयारी रखनी पड़ती, उसके लिए रखा गया। दूसरा, क्योंकि वहां पर जेल के और भी लोग हैं, तो इस व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाता है कि किसी के साथ कुछ न हो जाए, ये कारण है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, फैसले को लेकर अब बहस पूरी हो चुकी है, दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अब उसके बाद में फैसला लिखा जा रहा है, और कुछ ही वक्त बाद में फैसला आ सकता है। हमारे साथ एडवोकेट है भारत भूषण जी, जो बताएंगे कि जो आर्ग्यूमेंट के पक्ष है उसके बाद में किस तरीके की सजा हो सकती है, ये बताएं। जो दलीलें दी गई बचाव पक्ष की ओर से कि वो बुजुर्ग हैं, वो एक धर्म उपदेशक हैं, नाबालिग और उनकी उम्र का तकाजा रखा जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन अपोजिट पार्टी है जो पीड़िता पक्षकार है, उसके जो अधिवक्ता है उनके द्वारा भी जो है ये दलीलें दी गई है कि बापू के इस ट्रायल के दौरान जो इम्पोर्टेंट गवाह थे उन गवाहों को मरवा दिया गया है, उन गवाहों को करप्ट करने की कोशिश की गई, उनको थ्रेटनिंग दी गई, उनको पैसे से लालच दिया गया, साम दाम दंड भेद जिसको हम कहते हैं, सभी तरह के प्रयास किए गए, और जो महत्वपूर्ण जो 3 गवाह थे जिसमें से 2 की हत्या हो गई, एक जो गवाह है जो गंभीर रूप से घायल हुआ था, वो बातें भी इस ध्यान में रखी जा रही है, वो सजा बढ़ाने के लिए वो उनकी तरफ से दलील दी जा रही है। जो बड़ी बात है, अहम बात है कि जो बापू के चरित्र की बात की जा रही है कि वो उपदेशक ये दिए जा रहा है, लेकिन बजाय इनकी ओर से अभियोजन की ओर से क्या दलील दी गई है उसमें? आप देखिए, उपदेशक और एक धर्मगुरु होना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के पास में जो है वो कानून को देखता है, जो उसके पास में जो एविडेंस है। उम्र कितनी मायने रखती है? उम्र का जो तर्क दिया गया है क्या हकीकत में वो मायने रखती है?
देखिए उम्र की अमूमन दूसरे केसेज में उम्र के तकाजे को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन ये उम्र के तकाजे से रिलेटेड मैटर नहीं है, क्योंकि ये अपराध ही यौन शोषण का है, बलात्कार से संबंधित मामला है। इसलिए एक बात तो ये, दूसरी बात जब बापू के द्वारा ये दुष्कृत्य किया गया बताया गया तो इसमें पोटेंसी टेस्ट कराई गई थी बापू की। उस समय जब पोटेंसी टेस्ट कराई थी उस समय पोटेंसी जो टेस्ट आई थी वो 72% आई थी, यानी कि एक यंग व्यक्ति के द्वारा जो सेक्स किया जा सकता है उतनी ही ताकत बताई गई थी। तो एक व्यक्ति में अगर उस तरह की जो ताकत थी जो बापू में बताई गई तो ये मायने नहीं रखती है कि दलीलें भी दी जा रही है। मानिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है, अब हम जेके बेनीवाल जी के पास चलते हैं। बेनीवाल जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग धर्म का चोला ओढ़ करके इस तरह की हरकतें करते हैं और अब आसाराम दोषी करार दिए जा चुके हैं, आपको नहीं लगता आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है? रश्मि जी देखिए, हम इस बात को हम संतों का आदर करते हैं, संतों का महात्माओं का ये नहीं है, वो हमारे दिल में रहते हैं और पूरे भारतवर्ष का ये मानना है। लेकिन अगर संत के चोले में अगर जब कोई गलत काम करता है तो उसकी हम भद्रता से करते हैं। आज कोर्ट ने उनको दोषी दिया, मैं उनको ये नहीं कहता कोर्ट ने दोषी दिया, गलत दिया, ठीक दिया, कोर्ट ने दिया है जो फैसला, हमारे सर मान्य है। लेकिन सवाल यहाँ पर दो तीन ये उठते हैं जैस्मिन जी कि बार बार इसी देश में इसी धर्म के नाम पर यहाँ पर एक तरफ हैदराबाद के अंदर 10 साल की हमारी बच्चियां मुस्लिम महिलाएं सऊदी अरब के शेख आते हैं और उनको हलाला करके बेच के लेके जाते हैं, उनके ऊपर तो आपका मीडिया थोड़ा सा दिखाता है। आज मीडिया की भी जिम्मेवारी है, और दूसरे धर्मों में क्रिश्चियनिटी धर्म, नहीं नहीं मैं आपको रोकूंगी, आप मीडिया की जिम्मेदारी क्या बात करिए, नहीं नहीं ये गलत बात है। देखिए हम गलत नहीं, उसने दोषी करार दिया है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मीडिया नहीं कह रहे हैं, पूरे 4 साल ट्रायल चला है और मैं आपके पास आऊंगी। देखिए इसका जवाब भी देते हैं प्रणवीर शर्मा जी जो पूर्व आयुक्त मत जोड़िए हमारे साथ, तमाम मेहमान है रणवीर जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि इसमें जो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई, जैसे कि हमने 0 FIR की बात की थी। और एक मिनट आपसे हम आपके पास आएंगे, सबको बोलने का समय दीजिए, ऐसे में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। प्लीज बताइए रणवीर जी, हमने 0 FIR की बात की, विक्रम जी से हमने इस पर चर्चा की, लेकिन इसमें जब ट्रायल चला पूरी कोशिश की गई आसाराम और उसके समर्थकों की तरफ से, 3 गवाहों की हत्या हुई, इसके अलावा कई पर जानलेवा हमला भी हुआ। आगे जो है इस तरह की स्थिति ना बने, कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कायम रहे, क्या कदम और उठाने की जरूरत है? अब सबसे पहला कदम पुलिस के लिए बड़ा जरूरी कि जैसे ही सजा सुनाई गई तो कोई भगत गण वो आत्मदाह ना कर ले। एक तो ये रोकने की जरूरी है कि वहाँ धारा 144 लगी है तो 5 से ज्यादा कहीं भी लोग इकट्ठे ना हो, ये प्रिवेंटिव मेजर लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पे भी इस प्रिवेंटिव मेजर के साथ साथ कोई और जो दूसरे प्रकार के जो मुलजिम हैं, अपराधी हैं, उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दें, जैसे ही सजा के लिए इन लोगों को लेके जाएंगे तो पब्लिक का एक बड़ा भारी सामाजिक दबाव उनके ऊपर होता है, अगर ये बहुत गलत आदमी, आध्यात्मिक गुरु होने के नाते इन्होंने ये बड़ा गलत काम किया है, तो उनके ऊपर भी कोई अटैक हो सकता है, वो भी पुलिस को एक प्रिवेंशन करनी पड़ेगी। तीसरी बात मैं इसमें कहूंगा कि जहां कानून की बात आती है, कानून के सामने अपराधी चाहे वो कोई भी हो, चाहे बड़ी उम्र का हो चाहे छोटी उम्र का हो, अपराध अपराध है और उस अपराध के लिए जो कार्रवाई और जो कानून है और जो पोक्सो एक्ट लगा है, ये हर कीमत में ज्यादा से ज्यादा सजा उन्हें मिलेगी। और ये तीन चीज जैसे गवाहों को छेड़ना, गवाहों के साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना या उनके ऊपर अटैक कराना, बहुत अहम बातें आप यहाँ पर कह रही है, ऐसे ही सख्त कदम उठाने की जरूरत है। चीजें उनकी उनकी जो सजा है उसको कम नहीं कहो, वो बल्कि उसको बढ़ाएगी। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। कृष्णा जी, मेरा सवाल आपसे है कि अब आसाराम दोषी करार दिए जा चुके हैं, सजा का ऐलान होगा, आपको नहीं लगता कि लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है? बतौर धर्माचार्य आप अपना रोल कहाँ पाती हैं? देखिए बतौर जो है धर्माचार्य, मैं पहले तो लोगों को यही कहना चाहूंगी, सबसे पहली बात यह है कि धर्म गुरु कोई भी अवतार लेके पैदा नहीं हुआ,
सभी जो है किसी न किसी यानी महिलाओं के ही उससे हम जरिए आए हैं। आप वो जिस महिलाओं के जरिए आप इस धरती पे आए हो उसी पे अत्याचार कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि माँ बापों को भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करो, मांगो उससे जो जिससे सब लोग मांगते हैं। ये नहीं कि आप उस इंसान से मांग रहे हो जो खुद जो है उसको धर्म गुरु बनाने वाले आप ही लोग, आपकी श्रद्धा बनाती है, मगर अंधे भक्त मत हो। आप अपनी लड़कियों को ऐसे लोगों को अनजान आज की डेट में जो है अगर हम अपने किसी भी जो है रिश्तेदार को नहीं देख सकते हैं या अपने परिवार के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप अंधे बनके आप किसी को एकदम सौंप देते हैं, ये गलत है। इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। लोगों में जागरूकता पैदा होना चाहिए। हमारे कानून का आज बहुत ही ज्यादा अभिनंदन करते हैं जिन्होंने ये जो है आज फैसला सुनाया। बिल्कुल, वो जो जज है उनका भी अभिनंदन करते हैं, उस लड़की का अभिनंदन करते हैं जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर कह रही हैं कि लोगों की जवाबदेही भी सवाल पूछा गया है। वो अपनी बातों से मुन्ना जी की बात कर रहे हैं। मुन्ना जी, क्या आप कृष्णा जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये जो पीड़िता का परिवार है ये आसाराम जी को अपना गुरु मानता था और पूरा परिवार वहीं पेट पालता था। तो आप बताइए कि ऐसे ऐसे अंध भक्त जो कि पूरी जिंदगी वहाँ खपा दिया कि ये तो भगवान जैसे हैं, और अचानक जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो वो शैतान हो जाता है, उस पर आरोप लग जाते हैं, उस पर मुकदमा हो जाता है। यानी कि जो तो ये तो गलत प्रचलन है ना, ये तो गलत प्रचलन है ना। पहले आप भगवान मानते हैं और जब आपको पैसा नहीं मिला तो शैतान हो गया। नहीं नहीं, ये सब हो रहा है, सब हो रहा है, यही सब हो रहा है। संतों को, हिंदू संतों को गलत फंसाया जा रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सजग जोड़ना गलत है, चाहे किसी भी धर्म का हो। अगर आप धर्म का चोला ओढ़ करके कितने भी रसूखदार हो, नहीं नहीं, अब हम चलते हैं राजेंद्र गुप्ता जी के पास। राजेंद्र गुप्ता जी, आपके पास एक सेकंड, मुन्ना जी आपको सुनाया है सारे के सारे, आपने सबूतों को तो नहीं अदालत में जाना सारे मुन्ना जी, एक सेकंड रुक जाइए, अब शांत हो जाइए मुन्ना जी। क्या ऊपरी अदालत, निचली अदालत? देखिए, सबको ऑडियो बंद करना पड़ेगा मुन्ना जी, बगैर सबूत के सबको बोलने का मौका मिलेगा। ऐसे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, सबकी ऑडियो हमें कम करनी पड़ेगी ताकि हम सबको सुन पाए। अब हम चलते हैं राजेंद्र गुप्ता जी के पास। राजेंद्र जी, आपके पास वो पेपर्स भी मौजूद हैं कि किस तरीके से आपने पूरे मामले को उजागर किया था, आपसे समझना चाहेंगे हम। देखिए, एक तो आवाज कट रही है, दूसरा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो उम्र की दुहाई दी जा रही है, दूसरा अच्छा संदेश देने की बात की जा रही है और आदतन अपराधी नहीं होने की बात की गई है, तो उम्र का लिहाज इसलिए नहीं किया जाएगा और यही कारण बनेंगे इनको अधिकतम सजा दिलाने में। क्योंकि उम्र अगर लिहाज की जाती तो इस उम्र में आप इस तरह का पाप नहीं करते। दूसरा, अच्छा संदेश अगर आप दे रहे होते तो आप बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय में आपने झूठे दस्तावेज पेश किए। हेलो, आपने झूठे दस्तावेज पेश किए, आप लगातार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप जमीन हथियाने में उल्लंघन कर रहे हैं, आप साक्ष्यों को मिटा रहे हैं, आप गवाहों का मर्डर करवा रहे हैं, तो यह आपका बताता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं या आदतन अपराधी हैं या नहीं है। दूसरा, आपने अच्छा संदेश आज तक ऐसा कोई संदेश नहीं दिया, क्योंकि लगातार आप वर्षों से कानून नियमों और सबका उल्लंघन करते आ रहे हैं। तो जो आप जिन कारणों को बताकर बचने की दुहाई दे रहे हैं वही कारण अधिकतम सजा दिलवाने में। बिल्कुल, इसके लिए राजेंद्र जी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि आसाराम के वकीलों की तरफ से भी दलीलें दी गई हैं, साथ ही अभियोजन पक्ष की तरफ से भी दलीलें दी गई हैं। हम रणवीर जी के पास चलते हैं जो आपने बातें कही हैं। रणवीर जी, सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित है, लगातार धमकियां दी गई, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर पीड़ित परिवार की भी दाद देनी होगी कि अभी भी लोगों का भरोसा पुलिस पर कायम है, कानून पर कायम है, और इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और आज दोषी करार दे दिए गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम कि देखिए, जो पीड़िता पक्ष था और साथ में जो तफ्तीशी ऑफिसर थे, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी इस केस को पूरा करने के लिए और इस पूरे केस की विवेचना करने के लिए, तभी जाके सारे सबूत मजिस्ट्रेट के पास आए और उन्हीं सबूतों के आधार पे आज मुलजिम को सजा मिली है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि अब उन पीड़िता को सजा होने के बाद उसकी रक्षा और भी ज्यादा जरूरी है।
उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, जो हमारे गवाह बाकी बचे हैं उनको भी पूरी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये नेचुरली केस को आगे तक लेके जाएंगे, अगली अदालत में लेके जाएंगे, तो हमारे गवाहों को सही तरीके से रखना, हमारे साथ साथ जो पीड़ित पक्ष है उनकी पूरी रक्षा करना, और साथ ही साथ हमारे इनके जो भगत गण है, अंध भगत गण है, उनको भी हमने सुरक्षा के तौर पर रखना पड़ेगा, कोई आत्मदाह ना कर सके और कोई बलवा ना कर सके कि किसी हमारी कोर्टे को सहयोगी भवानी मौजूद है जो कुछ अपडेट दे रहे हैं। भवानी, बहस तो पूरी हो चुकी है, उम्मीद कब तक की जाए, फैसला आ जाएगा, सजा का ऐलान हो जाएगा? देखिए बिल्कुल बहस पूरी हो गई, उसके बाद में जज साहब कोर्ट रूम में गए, चैम्बर में गए, उसके बाद में उन्होंने फैसला लिख भी लिया, और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद में अनाउंस कर सकते हैं। हालांकि जो ऑफिशियली कोर्ट का टाइम है वो पूरा हो चुका है, उसके बाद में क्योंकि लेकिन इतना बड़ा केस है, सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं कई सारे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि वो फैसला आज सुनाई देंगे, और सुनाने के बाद में उसी का इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ भारत भूषण जी है, सीनियर वकील है, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप ये बताएं कि अब तो तकरीबन फैसला आने वाला है, आपको क्या लगता है किस तरीके का फैसला आ सकता है? नहीं, फैसला तो जब दोषी करार दे दिया है तो सजा निश्चित रूप से आएगी। अभी सजा का फैसला आएगा, सजा सुनाएंगे, सजा कितनी सुनाते हैं ये जज साहब के ऊपर निर्भर है, लेकिन जो पोक्सो एक्ट है उस पोक्सो एक्ट के अंदर सेक्शन 5 और 6 के तहत अगर इनको सजा दी जाती है तो वो मिनिमम 10 ईयर है, लेकिन वो जो है एक्शन हो सकती है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक। सेक्शन 5 और 6 में क्या है पोक्सो में? सेक्शन 5 के अंदर ये है कि आपराधिक लैंगिक हमला है, उसके साथ में नाबालिग के साथ में, बालक और बालिका है, उसके साथ में कुकर्म और दुष्कर्म करना है। अच्छा, इसमें दूसरी एक दलील बार बार दी जा रही है कि इसके अंदर इविडेंस जो मौके के साक्ष्य सबूत नहीं है, कोई चश्मदीद नहीं है और साइंटिफिक इविडेंस नहीं है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण एविडेंस है वो पीड़िता की एविडेंस है, उसके माता पिता की एविडेंस है, दूसरी एविडेंस मेडिकल एविडेंस है, जो मेडिकल एविडेंस जो कॉरोबोरेटेड होती है, जैसा कि बापू के खिलाफ आरोप था तो उस लड़की के द्वारा जब जबरन उसकी की तो 2-3 बार उसने उल्टी की थी तो उल्टी की FSL ली थी, उसकी FSL रिपोर्ट है जो इसको कॉरोबोरेटेड कर रही है। एक बात बताएं कि एक जो सेक्शन के अंदर एक आरोप इन पर भी ये भी है कि इनकी कस्टडी के अंदर थी, ये एक गुरु थे, ट्रस्टी थे, इन्हीं के आश्रम की थी, जो आरोप सेक्शन के अंदर IPC की किन धाराओं में लगा और वो कितना बड़ा, उसमें कितनी सजा हो सकती है? पुलिस ने जब इसका इन्वेस्टिगेशन करके चालान प्रस्तुत किया था तो एक आरोप ये भी लगाया था IPC का 370, उसका सब क्लॉज 4 लगाया था, जिसका तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति को आपके पास में रहते हुए उसको दास बनाना, दास बना करके उसका क्रय विक्रय करना, उसका आयात निर्यात करना। बिल्कुल, भवानी ये अहम जानकारियां दे रहे हैं और अब हमें इंतजार करना होगा जब सजा का ऐलान होगा। आपको अपडेट दे दें, बहस पूरी हो चुकी है, किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है। हम मुन्ना कुमार शर्मा के पास चलते हैं। मुन्ना, अब से कुछ देर पहले आप आसाराम का समर्थन कर रहे थे, बचाव कर रहे थे, लेकिन अब मैं जरा पीछे लौटती हूँ। राम रहीम केस में हमने देखा था किस तरीके से समर्थकों ने उत्पात मचाया था, क्या आपको लगता है जब सजा का ऐलान होगा जो आसाराम के समर्थक हैं वो शांति का परिचय देंगे? शांति का परिचय बिल्कुल देंगे, क्योंकि जो आसाराम जी के समर्थक हैं उनके करोड़ों भक्त हैं, आसाराम जी ने पहले ही चिट्ठी लिख करके आह्वान कर दिया है कि किसी को किसी प्रकार की अशांति फैलाने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो जो आसाराम जी ने गाइडलाइन दे दी है अपने शिष्यों को, उससे कोई भी बाहर नहीं जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कहीं हंगामा होगा। छिटपुट घटनाओं का नहीं कह सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन कोई बड़ी घटना या बड़ा हंगामा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आसाराम जी ने खुद ही ऐसी अपील कर दी है। और हमारे यहाँ न्याय प्रधान देश है, यहाँ निष्पक्ष न्यायपालिका है, न्यायपालिका के फैसले का सब सम्मान करता है, सब आदर करता है। चलिए, ये अच्छी बात आपने कही है कि न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन आप लोगों के पास खुले होंगे जिसका आप रुख कर सकते हैं। कृष्णा जी, जो 3 दिन तक उन्होंने दलीलें दी गई है, जैसा की हम बता रहे थे आसाराम के वकील की तरफ से कि वो आदतन अपराधी नहीं है, उनकी ज्यादा उम्र का हवाला दिया गया है, लेकिन जब केस का ट्रायल चला आसाराम की तरफ से, उनके भक्तों की तरफ से पूरी कोशिश की गई ट्रायल को प्रभावित करने के लिए, 3 गवाहों की हत्या हो गई, कईयों पर जानलेवा हमला हुआ, तो क्या ये दलीलें काम आती हैं जब आप धर्म का प्रचार करते हैं? नहीं, अगर हम गलत नहीं है तो ना ही हम सबूतों को मिटाएंगे, ना ही जो है हम कोई ऐसी काम करेंगे जिससे जो जैसे गवाहों का जो है आप बता रहे हैं मर्डर हो गया,
हमने भी देखा न्यूज चैनल के माध्यम से कई गवाह जो हैं उनका मर्डर कर दिया गया। कभी उन्होंने देखा कि उनके परिवार में उनके बच्चे उनकी बेटियां कैसे हैं, उनकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं गया क्योंकि वो तो आपके आश्रम से जुड़े हुए हैं। आज जो है सारे लोग जो है आप क्या बात कर रहे हैं फंसाने के लिए, आज क्यों नहीं, आज क्यों नहीं, आसाराम जी पर और मुकदमा कायम करने के लिए उनको फंसाया गया। आसाराम जी तो जेल में थे, आसाराम जी तो जेल में थे, वो कैसे मर्डर कराएंगे? वो तो जेल में है लेकिन उनको फंसाने के लिए कि वो जेल से निकले नहीं, इसलिए ये सब हत्याएं कराएंगे। आसाराम जी के द्वारा कोई भी किसी प्रकार का इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया गया और आसाराम जी ने कभी भी अपने भक्तों को ये नहीं कहा कि कोई गलत काम करो, उनको गलत तरीके से फंसाया गया। आसाराम जी जेल से न आए इसलिए षड्यंत्र किया गया, हत्याएं कराई गई, लोगों पर हमले कराए गए, ये सब सब षड्यंत्र के तहत किया गया। आसाराम जी तो जेल में थे, वो कैसे हमले करवा सकते, वो कैसे हत्या करवा सकते, उनको फंसाने के लिए, उनको फंसाने के लिए जेल से निकले नहीं, आसाराम जी बाहर निकले नहीं। मेरी बात सुनिए मुन्ना जी, आप बता रहे हैं गलत हुआ, मैं आपको बता दूं कि प्रजापति की हत्या हो जाती है, ये वो लोग हैं, ये वो गवाह हैं जो पहले आसाराम के साथ जुड़े थे लेकिन जब उनको आसाराम की करतूतों के बारे में पता चला तो वो अलग हो गए। तो ये हत्याएं आसाराम जी के द्वारा नहीं करवाई गई है, वो तो जेल में थे। अच्छा, उनको उनके हत्या करने से फायदा होगा जो आसाराम जी के विरोधी है, क्योंकि आसाराम जी ये सब षड्यंत्र था कि और भी मुकदमे उन पर कायम हो जाए और आसाराम जी जेल से निकले नहीं, इसलिए षड्यंत्र के बाद दबाव पर हमले कराए गए। जो षड्यंत्र पहले से करके फंसाए गए उन्हीं षड्यंत्रकारियों ने दबाव की हत्या कराई। मुन्ना जी मैं आपको बता दूं, आसाराम ने पूरी कोशिश की जेल से बाहर निकलने की, सितंबर 2013 से अब तक निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, 12 बार जो है जमानत की अर्जी दी, ठुकरा दी गई, अधिकार है लगा लंबे, और जो अमीर वकील है, नामी वकील है, देश के सबसे बड़े वकील है, चाहे उसमें सुब्रमण्यम स्वामी का नाम हो, राम जेठमलानी का नाम हो, उनकी फौज थी। मेरी बात सुनिए, तो पूरी एक तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया, हर कोशिश आसाराम की तरफ से भी की गई, लेकिन आज कोर्ट का फैसला आया है और गवाहों सबूतों के वजह से अदालत चलती है और इसी की वजह से ये फैसला आया है। दो बड़ी क्यों हुए? उसी पुलिस ने FIR किया था 5 लोगों पर। दो बड़ी हो गए शर्मा जी, दो बड़ी हो गए, नहीं दो बड़ी हो गए, अभी कोर्ट का फैसला आने दीजिए। आप सब आप गलत सुन रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं शर्मा जी, गलत नहीं कर रहे आप, दो लोग दबाव में काम कर, दो लोग बड़ी हो गए, साजिश के तहत हत्या हो गई, बड़ी हो गए, आपको ये नहीं पता कि मुकदमा क्या है, सब पता है, मुकदमा पता, अपराध पता, बात थोड़ी कहेंगे। ये पॉक्सो एक्ट में जो मुकदमा हुआ है, पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पहले, ये तो देखिए 16 साल है, 16 साल उस बच्चे की उम्र है, 4 तरह का 16 साल उस बच्चे की उम्र है, उसके साथ अपराध हुआ तभी अपराध, अलग अलग सर्टिफिकेट में 4 तरह का उम्र है, आप धर्म की दौलत से दुहाई दे रहे हैं, फिर आप अपराध रखेंगे। तमाम बड़े मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहस पूरी हो चुकी है, किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, रुकते हैं कुछ देर के लिए।